नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन सेक्शन 113, 14 एंड 15। तो शुरू करते हैं रेफरेंस से। सेक्शन 113 में दिया गया, तो रेफरेंस होता क्या है। तो कोई भी जो एक छोटी कोर्ट होती है ना, वो कोई भी मामला उसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि यार समझ में नहीं आ रहा नहीं कि एक कोई सा एक एक्ट है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये एक्ट या जो इस एक्ट का ये जो कुछ प्रोविज़न है, एक आध कोई जो भी प्रोविज़न है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है ये। तो उस समय पर वो जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट को रेफरेंस दे सकता है। और अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ भैया सही में भी ये तो जो एक्ट है या जो रेगुलेशन है या जो भी प्रोविज़न है ये इनवैलिड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर इसको इनवैलिड कर देना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है अभी तक, हाई कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो बुलवा सकता है अपने पास जो भी ये केस है वो अपने पास बुलवा सकता है। तो ये था रेफरेंस सीधा साधा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 114 रिव्यू। अब रिव्यू क्या होता है, रिव्यू और रिविजन। वैसे तो आपको मालूम है रिव्यू वही वाली कोर्ट करती है, रिविजन ऊपर वाली कोर्ट करती है। अब रिव्यू होता क्या है, रिव्यू उस तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें रिव्यू आप कर सकते हो तो कोई भी आदमी करवा सकता है। कब, जब किसी भी कोर्ट बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज़ अलाउड बट बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड। किसी भी डिक्री या ऑर्डर के ऊपर आप अपील करवा सकते हो, लेकिन आप करवा सकते हो अगर उसके ऊपर अपील हो सकती है तो। अपील हो सकती है, वो जो डिक्री और ऑर्डर है उसके ऊपर अपील हो सकती है अगर, लेकिन आपने अपील करी नहीं है तो फिर आप अब रिव्यू करवा सकते हो। दूसरी चीज़ आप कब करवा सकते हो, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज़ अलाउड बाय दिस कोर्ट। अपील ही अलाउड नहीं है तो आप क्या करवा सकते हो, रिव्यू करवा सकते हो आप। बाय अ डिसीजन और अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के डिसीजन से या रेफरेंस से आप रिव्यू करवा सकते हो। अब 115 सेक्शन 115 रिवीजन के बारे में बात करता है। रिवीजन होता क्या है, ऊपर वाली कोर्ट करती है। तो ऊपर वाली कोर्ट क्या, हाई कोर्ट करेगी रिवीजन सेक्शन 115 में। हाई कोर्ट रिवीजन करती है, लेकिन कैसे करती, कब करती है, तो इसका अगर सब सेक्शन 1 आप देखोगे तो इसमें क्या बोला गया है कि हाई कोर्ट किसी भी केस का रिकॉर्ड बुलवा सकती है। कब बुलवा सकती है, जब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई भी केस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसाइड किया हो, उसके बाद उसकी अपील नहीं की हुई होती हो, उसकी अपील होती नहीं हो। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर सबसेक्शन 1 में सिर्फ ऑर्डर की बात हो रही है, सिर्फ ऑर्डर की बात हो रही है। तो यहाँ पर नो अपील वाली जो बात है ये सिर्फ ऑर्डर के लिए कि उसकी अपील, उस ऑर्डर की अपील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या दो चीज़ें थी अभी तक कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फैसला, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसाइड किया हो वो चीज़, और उसकी अपील नहीं होनी चाहिए, नहीं होती हो। और तीसरी चीज़ कि ऐसा लगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने क्या क्या कर दिया, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ कर दी। कौन कौन सी चीज़ कर दी, कि जो उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है वो उसने एक्सरसाइज कर लिया। कि मान लो सिर्फ भोपाल का ज्यूरिडिक्शन है, अब उसने इंदौर का केस देख लिया, ज्यूरिडिक्शन था ही नहीं उसके पास। अब फेल्ड टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन, मतलब कि मान के चलो सिविल जज सेकंड क्लास की 5 लाख का वो रहता है, अब उसके पास 4 लाख का मामला आया तो उसने सुनने से ही मना कर दिया। तो आपके पास जो ज्यूरिडिक्शन है वही आपने सुनने से मना कर दिया, फेल हो गया वो जो एक्सरसाइज करने में वो ज्यूरिडिक्शन। तो और तीसरी चीज़ हैव एक्टेड इलीगली और मटेरियल इरेगुलरिटी। अब इलीगली या मटेरियल इरेगुलरिटी, जैसे कि कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि नार्को टेस्ट हो गया, अब वो करवा दिया, वो तो क्रिमिनल का बात हो गई, लेकिन इलीगल या मटेरियल इरेगुलरिटी हो वहाँ पर आप करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसकी एक कंडीशन है, मान के चलो कि आप पिटिशनर हो, मैं रिस्पोंडेंट हूँ। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने तो इस तरीके का फैसला सुनाया कि आपको रिलीफ मिल रहा है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको रिलीफ मिल रहा है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर अगर रिवीजन होगा तो रिवीजन में जो हाई कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगी वो तभी सुनाएगी अगर मुझको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो, जो रिस्पोंडेंट है। क्योंकि पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट ने क्या किया, आपको फ़ायदा, कुछ फ़ायदा दिया, मुझे नुकसान दे दिया उसने। अब रिवीजन जब होगा तब वो हाई कोर्ट
अपना डिसीजन रिवर्स या वेरी तभी करेगी जब मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर आप ही को कुछ फ़ायदा हो रहा है और मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब ही क्या है वो डिसीजन रिवर्स करने से। इसीलिए वो तभी रिवर्स करेगी डिसीजन जब मुझे भी कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये एक कंडीशन है। अब हाई कोर्ट शैल नॉट वेरी और रिवर्स एनी डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाइज। अब ऐसी डिक्री या ऐसा ऑर्डर, अब यहाँ पर अब बात आ गई है डिक्री और ऑर्डर की। अब हाई कोर्ट जो है ऐसी डिक्री और ऑर्डर को रिवीजन के लिए हाथ ही नहीं लगाएगा जिसकी अपील होती हो। जिस डिक्री और ऑर्डर की अपील होती है तो उस डिक्री और ऑर्डर को रिवीजन के लिए हाई कोर्ट हाथ ही नहीं लगाएगा। अब अपील होती है तो अपील में जाना भाई, रिवीजन में क्यों आ रहे हो, ठीक है। अब रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ सूट और अदर प्रोसीडिंग एक्सेप्ट वेयर सच सूट इज स्टेड बाय हाई कोर्ट। अब रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन जो है वो बाकी सूट्स के ऊपर स्टे नहीं लगा देंगे। जैसे मान के चलो एक कोई सूट है, अब एग्जीक्यूशन का चल रहा है सूट, अब ये सूट के लिए रिवीजन तो चल ही रहा है, अब एग्जीक्यूशन के लिए स्टे नहीं लगेगा। एग्जीक्यूशन का तो चल ही रहा है सूट, जब तक हाई कोर्ट मना नहीं करेगी कि नहीं नहीं अभी एग्जीक्यूशन मत करवाओ उस डिग्री का, जब तक जो ये डिग्री अभी रिवीजन में गई है अभी एग्जीक्यूशन मत करवाओ, तब तक आप नहीं करवाओ। मतलब कि कुल मिला के स्टे नहीं लग जाएगा बाकी सूट्स पर, जो ये सूट के ऊपर रिवीजन चल रहा है ना उससे रिलेटेड जो बाकी के सूट्स हैं उनके ऊपर स्टे नहीं लग जाएगा। तो ये बात करता था रिवीजन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।